हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों के पोहे, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और आसानी से इन्हें आप बना सकते हैं। अक्सर हमारे घर में बची हुई रोटियाँ बच जाती हैं, मोस्टली सुबह की शाम को या शाम की रात को। तो हमें अगर रोटी नहीं खाना हो तो आप इस तरीके से उसके चटपटे पोहे बना सकते हैं, जो कि एकदम नई रेसिपी है। आइए दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ ये देखिए दोस्तों, मैंने 5 से 6 रोटियाँ ले ली हैं। ये मेरी सुबह की रोटियाँ हैं। अभी शाम को रोटी अगर खाने का मन नहीं है तो मैं इनके आज रोटियों के पोहे बना रही हूँ। इस तरीके से हम हाथों की सहायता से रोटियों को बिल्कुल बारीक बारीक कर लेंगे। टुकड़े टुकड़े हमें करना है। आप चाहें तो मिक्सी से, मैं भी कर सकते हैं, मिक्सी में टुकड़े करके उसको थोड़ा सा आप ग्राइंड कर लें। और ये देखिए, इस तरीके से हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने रोटियों के टुकड़े कर लिए हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे। जब तक मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। गैस की फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, मैंने इसमें सौंफ डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। इन दोनों को हम सिकने देंगे जब तक कि हमारा सौंफ और जीरा ना सिक जाए। सौंफ और जीरा सिकने के बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, लगभग 10 से 12। यहाँ मैंने फ्रेश कड़ी पत्ते ले लिए थे। कड़ी पत्ते को थोड़ा सा हम सिकने देंगे। आप देख सकते हैं, कड़ी पत्ता सिकने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और आलू डाल दिया है। लगभग यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और एक यहाँ पे मैंने आलू ले लिया है। इन सबको हम अच्छी तरीके से सिकने देंगे। इसमें मैंने एक हरी मिर्ची भी काट कर डाल दी है। ये देखिए, इस तरीके से हम सभी आलू, प्याज और हरी मिर्ची को सिकने देंगे। जैसे ही ये सिक जाएंगे, मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर के साथ मैंने इसमें थोड़ी सी हरा धनिया डाल दिया है, पिसा हुआ धनिया पाउडर, और थोड़ी सी यहाँ मैंने लाल मिर्ची डाल दी है। इन सबको हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो भी इन आलू प्याज के साथ अच्छे से सिक जाए। अब इसमें हम अपनी जो रोटियाँ थी कुटी हुई, या जिनको हमने हाथों से बिल्कुल बारीक कर लिया है, उसको इसमें अच्छी तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, और इन्हें हम अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो रोटियों में अच्छी तरीके से मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे और इनको बिल्कुल एक जैसा हम कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। अगर आपने रोटियों में पहले से नमक डाला हुआ है तो आप नमक थोड़ा कम डालें, सिर्फ मसालों के हिसाब से। और यहाँ मैंने डाल दिए शक्कर, लगभग यहाँ मैंने 1 चम्मच शक्कर डाल दी है। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि नमक और जो शक्कर है वो सारे रोटियों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने एक सब मिला लिया है। अब हमने इसमें डाल दिया है हरा धनिया। और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। दोस्तों, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। कभी भी अगर आप सुबह से शाम को अगर रोटियां बच जाती हैं तो आप इस तरीके से रोटियों का पोहा बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, मूंगफली दाना भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से ये सारे मिल चुके हैं और हमारा जो रोटियों का चटपटा पोहा है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है दोस्तों, तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको एक प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर लिया। इस पे हम थोड़ा सा नमकीन डालेंगे, जो भी हमें नमकीन पसंद हो, और हरे धनिया के साथ हम इसे गार्निश कर देंगे। ये देखिए, हमारा चटपटा रोटी का पोहा बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। और नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में दोस्तों, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।